नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपका, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है आपका। जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी राजनीति में धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर आप जिस पार्टी के विधायक को चुनते हैं वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जा रहा है, किस तरह से ये हेर फेर किया जा रहा है, सरकारें गिर रही हैं बन रही हैं। तो इसके संपादक हैं TN99 साहब, इसके संपादक हैं। एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग, दो चार सवाल आप लोगों से पूछूंगा बस, फिर उसके बाद हम लोग आर्टिकल पर पहुंचेंगे, अपने देखेंगे इसमें क्या बताया जा रहा है। आप किसी को चुनते हैं, फिर चाहे आपका विधायक हो या फिर सांसद हो यानी कि लोकसभा सदस्य हो, आप चुन रहे हैं कि ये पार्टी इस पार्टी का है और आपने उसे चुना, ठीक है, आपकी विचारधारा कोई और थी और आपने उस पार्टी, उस जो इस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहा था उस पार्टी की विचारधारा के तहत उसे वोट दिया उस व्यक्ति को, और कुछ दिनों बाद वो दूसरी विचारधारा की पार्टी में शामिल हो जाता है, तो आपको नहीं लगता है कि आपके वोट का यानी कि कोई मतलब भी नहीं है, कि आपने वोट दिया बस आपकी यहाँ से ड्यूटी खत्म हो जाती है, आपके वोट का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कीमत है, इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है यही कारण है कि अधिकतर लोग वोट देना पसंद भी नहीं करते हैं, कि उन्हें पता है कि हमारे देने से ना देने से फायदा क्या है। आप समझिए कि इस तरह के आपके आय आयराम गयाराम हुआ करते थे, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कि आज इस पार्टी में है, एक दिन में कहो तीन तीन पार्टी बदल देते थे, कई ऐसे भी आपके विधायक और सांसद रहे हुए हैं। तो दल बदल विरोधी कानून आया आपका, 1985 में आया ये, 52 बे संविधान 52 संविधान संशोधन द्वारा एक नई सूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? इसके तहत कहा गया था कि अगर कोई पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो याद रखिए, आप कहते नहीं है कि हमारे भारत में इतने हम लोग इंटेलिजेंट हैं कि एक ताला बन रहा है तो उसकी चाबी हम लोग पहले ही बना लेते हैं, मतलब हमारे पास दूसरा ऑप्शन मिल जाता है। तो संविधान में संशोधन होकर एक नई अनुसूची जुड़ी, उसके बाद आपने देखा है कि संविधान ने अपना काम कर दिया है, उसके बाद देखिए कि अब क्या कर रहे हैं, उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद अपना इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद वो चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। तो इसमें आप सोचिए कि इसमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जितने वो नहीं है उनकी गलती नहीं, जितनी जनता की वोटर की गलती है, कि आप जो मतलब 35 से 40 करोड़ रुपए में बिक रहा है, आपकी मतलब आपके सम्मान को बेच रहा है, उसके बाद आप उसे ही वोट दे रहे हैं, दोबारा उसे चुन रहे हैं, तो इसमें तो आपकी ही गलती कहेंगे ना, और किसकी गलती कह सकते हैं आप लोग। तो यही हो रहा है इस समय, एक समय हुआ करता था, देखिए आज आपकी जो सरकार में है केंद्र सरकार बैठी हुई है, इससे पहले कांग्रेस का भी यही हाल था, और कांग्रेस को भी यही गलतफहमी रहती थी कि उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है, जनता है। देखिए एक समय के बाद जनता सब कुछ बदल देती है। आप सोचिए कि 1857 तक अंग्रेजों के मन में यही था कि हमारे सिवा कोई नहीं है, लेकिन जनता लामबंद हुई, जनता के मन में सवाल आए और जनता इकट्ठी हुई, किस तरह से बुरी हालत कर दी और अपने देश को आज़ादी मिली आप सभी जानते हैं। तो एक समय के बाद आप सोचिए, आज से हो सकता है 100 150 200 साल बाद एक इस तरह का आंदोलन हो और सभी राजनीति को बदल के रख दे, तो होगा, क्योंकि अभी राजनीति में आपके वोट देने का कोई मतलब भी तो नहीं बनता है, कि आप वोट चुन रहे हैं किसी को और जाके मिल जा रहा है किसी को। चलिए इस आर्टिकल को देख लेते हैं, और इसमें एक सीधा सा मतलब और पद अब आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज मुख्य न्यायाधीश थे उन्हें राज्यसभा में भेज दिया जाता है, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले यूपीए की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार रही है तब भी यही काम होते आए हैं। तो आप सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है कोई, वो फैसला उसे पद का लालच हो जाए कि आगे चल के हमें राज्यसभा में भेज दिया जाएगा या कुछ अच्छा पद दे दिया जाएगा, तो वो किसके हक में फैसला लेगा? सरकार के पद, इसमें कोई दोहरा भी नहीं है, सरकार के साथ वो मिलकर काम करेगा और सरकार के साथ काम मिलकर करेगा, तो आप सोचिए आपकी न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अभी कम से कम हर व्यक्ति को इतना मतलब अपने आप में भरोसा तो होता है, चलिए न्यायपालिका में हम जाएंगे अपना केस लेकर
और वहां हो सकता है हमें न्याय मिले, लेकिन एक समय के बाद ये भी खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? राजनीति में धन का इस्तेमाल, मारी वर्तमान राजनीति में मतदाताओं का जनादेश नहीं मिलने के बावजूद राज्य सरकारें सरकारों को हड़पना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? इस सवाल का एक जवाब यह हो सकता है कि इससे अगले चुनाव के समय राज्य सरकार पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। पुलिस तथा अन्य अधिकारियों का स्थानांतरण इस मनचाहे ढंग से किया जा सकता है कि सत्ताधारी दल को प्रचार प्रसार में मदद मिले, किसी भी प्रकार के छल कपट के मौकों पर नजर फेरी जा सके और फिर इस तरह की नियुक्तियों तैनातियां की जा सके जो स्थानीय स्तर पर प्रभाव उत्पन्न करने वाली हो। याद रखिए, पुलिस का भ्रष्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? राजनीति। आप सोचिए, कोई पुलिस ईमानदार व्यक्ति है, कोई पुलिस विभाग में कोई भी किसी भी अधिकारी है, कोई ईमानदार है तो उसे स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप समझिए कि एक व्यक्ति का ट्रांसफर मतलब आप सोच सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, और अपने परिवार अगर है उसका तो परिवार को साथ ले जाकर वहां शिफ्ट होना कितना मुश्किल भरा होता है। वो इससे यही सोचता है कि चलिए इससे अच्छा है कि हम रिश्वतखोर हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। तो यही कारण है सबसे बड़ा कि आप देखते हैं अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं, और भ्रष्ट हो जाएंगे तो जनता का कल्याण तो होना रह गया। एक और संभावना है कि सरकार व्यवस्था से राजनीतिक इस्तेमाल के लिए जो धनराशि निकाली जा सकती है वह ज्यादातर केंद्र स्तर के बजाय राज्य स्तर पर मौजूद है। दोहरा लाभ यह है कि विपक्ष को उस धन का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है, जबकि वह पहले से ही घाटे में रहता है क्योंकि उसकी पहुंच उस फंड तक नहीं होती जो केंद्र सरकार की मदद से जुटाया जा सकता है। कारोबारी इसलिए धन चुकाने को तैयार रहते हैं क्योंकि उनकी राय कठिन बनाई जा सकती है, या फिर केंद्र की एजेंसियां कर अधिकारी, बैंक अधिकारी और क्षेत्रीय नियामक परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जब किसी राज्य में किसी की सरकार आती है या केंद्र में सरकार आती है तो CBI का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इनकम टैक्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे को मतलब नीचा दिखाने में, दूसरे से बदले की भावना के रूप से, बदला लेने के हिसाब से। पुलिस का भी आप राज्य सरकारों में भी देखते हैं कि एक सरकार आती है, विरोधियों पर किस तरह से जुर्म ढाने लगती है। ऐसी फंडिंग काफी बड़ी और महत्वपूर्ण होती है और हमारा राजकोषीय परिदृश्य कुछ ऐसा है। सरकारी धन का ज्यादातर हिस्सा राज्यों के हाथ में जाता है, ना कि केंद्र के। गत वर्ष केंद्र का कुल व्यय 27 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा पूर्व प्रतिबद्धता वाला है। 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों तथा पेंशनरों का वेतन और पेंशन, सरकारी ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य को किया जाने वाला हस्तांतरण आदि को मिला दिया जाए तो यह उपयुक्त 27 लाख करोड़ रुपए का करीब 3/4 हो जाता है। यानी केंद्र सरकार द्वारा विवेकाधीन व्यय के लिए करीब 7 लाख करोड़ रुपए बचे। इसके उलट में राज्यों ने 34 लाख करोड़ रुपए व्यय किए, उनकी पूर्व प्रतिबद्धता केंद्र से काफी कम थी। उदाहरण के लिए ब्याज भुगतान केंद्रीय बिल के 60% से भी कम था। साफ है कि धन जुटाने के ज्यादा अवसर राज्यों में है। सिंचाई और सड़क निर्माण अनुबंधों, शराब के सौदों और खनन लीज, कर्नाटक के रेड्डी बंधुओं और तमाम प्रकार की खनिज आदि के बारे में सोचिए। मिसाल के तौर पर बिजली खरीद, कोयला खरीद, चारा खरीद, तेंदुपत्ता अनुबंध आदि सूची लंबी है। इतना नहीं, राज्य स्तरीय सौदों की जात भी कम होती है, वार्षते आप लालू प्रसाद यादव की तरह बदकिस्मत ना हो। यानी कि समझिए, अगर केंद्र में सरकार जिसकी आई होती है, अगर उससे मतलब आप सहमत हो जाते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं, तो आप इस तरह की सजाओं से भी मुक्त हो जाते हैं। लालू प्रसाद एक बदकिस्मत है क्योंकि उन्होंने समझौता नहीं किया हुआ है। अगर वो भी कर लेते तो वो भी आज बाहर घूम रहे होते, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से कई भ्रष्टाचारी अभी भी जेलों से बाहर घूम रहे हैं। यूपी में आपने देखा है कि जब पार्टियों की सत्ता रहती थी तब उनमें भी देखते थे कि सब लोग बाहर घूमते थे। कई तो ऐसे बाहुबली हुए हैं कि जो जेल में बंद होकर चुनाव भी जीत चुके हैं यूपी में। ऐसे में एक या फिर दो राज्य सरकारों का नियंत्रण कांग्रेस जैसी पार्टी के प्रभावी कामकाज के लिए काफी आवश्यक है। इसके मुख्यमंत्रियों के इतना ताकतवर होने की वजह यह है कि केंद्र में पार्टी को फंड मुहैया कराते हैं। जरा अन्य नेताओं के साथ YS राजशेखर रेड्डी और उनके बेटे द्वारा अर्जित संपत्ति, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूमि उपयोग में बदलाव की इजाजत की
ताकत के बारे में सोचिए। ऐसे में कांग्रेस ने किसी राज्य का शासन छीनने की राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े गहरे निहितार्थ हैं। ऐसा होने से पार्टी के पास प्रभावी चुनाव अभियान के लिए आवश्यक धन नहीं बचेगा। जैसा कि खबरों में कहा जा रहा है कि पाला बदलने की मंशा रखने वाले प्रत्येक विधायक को 15 से 25 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही। कितना? 15 से 25 करोड़ रुपए। आप सोचिए कि ये इस रुपये को अगर अभी कोरोना महामारी में खर्च किया जाता है जनता के कल्याण के लिए, तो कहाँ जा सकता था, कि सभी प्रॉब्लमों से निपटा जा सकता था। एमपी का हाल देख सकते हैं आप लोग। अभी कुछ ही देर पहले जब हमारा देश कोरोना से लड़ रहा था महामारी से, उस समय वहाँ के जो भी स्वास्थ्य मंत्री साहब थे, कई विधायक थे, वो जाकर कर्नाटक में बैठे हुए थे। यानी कि जिनका कर्तव्य था कि निचले स्तर पर यानी कि जमीन पर जाकर लोगों की मदद करना, आज वो आपको बड़े वीआईपी होटलों में बैठे मिल रहे हैं, रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं। तो मुझे एक ही शब्द आता है याद है कि आप सोचिए, एक राम राज्य नहीं हो सकता है कि जनता मर रही है, त्राही त्राही हो रही है, और आप जाके ऐस कर रहे हैं। इस समय अगर राम भगवान श्री राम भी होती तो मुझे लगता है कि वो भी रोड पर जाकर इन लोगों की मदद करते। आप सोचिए इससे बुरा स्थिति क्या हो सकती है कि एक महिला को रोड पर जन्म देना पड़ रहा है बच्चे को, और जन्म देने के बाद फिर वो चलने लगती है। मुझे तो नहीं लगता है कि इससे बुरी स्थिति कभी देखने को मिल सकती है। अगर आपको लगता है तमाशा है, तो कभी अपनी अपने परिवार को उस महिला की जगह रख कर देखिए, पता चल जाएगा। कई लोग कहे जा रहे थे कि वो जो भी ट्रेन से वो कटकर मरे हुए थे व्यक्ति, तो उनके बारे में भी अपशब्द लिखा जा रहा था। कभी अपने आप को उस जगह रख के देखिए, तब पता चल जाएगा। एक कहावत है अच्छी कि वो किसी की अगर समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम्स में है, तो उसे उसकी जो भी समस्याएं होती हैं हमें तमाशा लगती हैं, लेकिन जब वो समस्याएं हमारे ऊपर खुद आती हैं तब हमें पता चलता है कि आखिर समस्या ऐसी भी होती है। तो ये हाल है। तो आपके कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि कोई सांसद विधायक या फिर कोई रोड पर दिखा हुआ आपको मदद करते हुए। समाज सेवी संगठनों ने काफ़ी हद तक मदद की है इन लोगों की, और काफ़ी हद तक इनने सहारा दिया है, लेकिन नेताओं में कोई आपको नहीं दिखा है जो रोड पर इनकी मदद कर सका हो। ऐसे में सरकार के बदलने के लिए जरूरी 15 से 20 विधायकों को इसके लिए राजी करने के लिए 400 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। प्रतिद्वंदी दल का को राजकोष से दूर रखने में इतना धन तो लग ही सकता है। वैसा ही है जैसे ऐतिहासिक संदर्भ में बंगाल में दखल बढ़ाने के लिए नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मीर जाफर को रिश्वत देना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ बड़े राज्यों में कांग्रेस की हैसियत बहुत मामूली रह गई है। ऐसे में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे अन्य बड़े राज्यों पर नियंत्रण उसके लिए बहुत अहम है, तभी वह ताकतवर बनी रह सकेगी। इसी तरह कांग्रेस को इन राज्यों में सत्ता से वंचित करके ही कांग्रेस मुक्त भारत घोषित लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। एक बात और हमेशा याद रखिए, जब विपक्ष कमजोर हो जाता है तो पार्टी मतलब जो सत्ता में रहती है उन्हें जीतना आसान हो जाता है। और आप सोचिए कि अगर जीतना जैसे आसान हो जाए, वो फिर काम भी कम करती है, जन कल्याण जो भी योजनाएं होती हैं कम ध्यान देती है। आप सोचिए कि अगर दो आप रेस में दौड़ रहे हैं, दोनों व्यक्ति दमदार हैं, आप भी दमदार हैं और सामने वाला भी दमदार है, तब आप और मेहनत करेंगे। जब आपसे कह दिया जाए कि एक बिल्कुल कमजोर व्यक्ति है, विकलांग है, और आपको उसके साथ दौड़ना है, तो आप बिल्कुल बिना डरे, बिना मेहनत करे दौड़ जाएंगे, चल जाएंगे, तब भी जीत जाएंगे। तो यही हाल है कि विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं ये बहुत कमजोर हो चुकी हैं। और आप सोच रहे हैं कि 2019 का आम चुनाव जो हुए 17वीं लोकसभा का, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी या फिर उनके जो भी मंत्री रहे हैं, जो भी NDA है, उसकी मेहनत की वजह राहुल गांधी और कांग्रेस को जीत की कुछ ज्यादा मतलब योगदान रहा है। मोदी की जीत में राहुल गांधी और कांग्रेस का ज्यादा योगदान रहा है। आप सोचिए अगर ये ताकतवर होती पार्टी, तब पसीना आ जाता, तब मेहनत करनी पड़ती। तो जब विपक्ष कमजोर हो जाएगा तो आप वैसे भी जीत जाएंगे। तो यही तो हो रहा है। और जनता भी कितना मतलब उतना ही जनता इसमें मतलब इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके यहाँ के विधायक की ये स्थिति, हमने कई जगह तो ऐसे भी देखे हैं जो 5 साल में दर्शन नहीं हुए आपको विधायक जी के, बस नाम सुनते हैं कि ये विधायक जी या फिर आपके सांसद साहब चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनके नाम पर ही वोट दे देते हैं।
जिनमें से आपने देखा है संसद में, यानी कि आपके सांसद हो या विधायक, उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा हत्याओं में लिप्त, मतलब बड़े बड़े अपराधी हैं जिन्होंने दुष्कर्म किया हुआ है, डकैती डाली हुई, हत्याएं की हुई है, फिर भी आप उन्हें चुन लेते हैं। ये तो आपकी बेवकूफी है ना, हमारी बाप की, कि मतलब हमें पता है कि ये हमारे लिए कल्याण नहीं करेगा, हमारा ध्यान नहीं रखेगा, फिर भी हम उसे ही चुनते हैं। खैर छोड़िए, लगे रहिए, अपना वोट देते रहिए, आगे देखिए जो भी होता है। दिल्ली और मुझे केरल का मामला ठीक लगा है कि कम से कम कुछ हुआ हो या नहीं हुआ, कम से कम शिक्षा तो बेहतर है, स्वास्थ्य तो बेहतर है, महिलाओं की स्थिति तो बेहतर है, रहन सहन तो बेहतर है, और जनता को, गरीब को क्या चाहिए, यही तीनों चार सुविधाएं तो मिल जाए, और अपने बच्चों को बेहतर पढ़ा सके। उत्तर भारत में देख लीजिए, बुंदेलखंड में देखिए आपको कितनी बुरी स्थिति हुई है, और दिल्ली में देखिए बेहतर स्थिति है आपकी, शिक्षा मिली हुई है, स्वास्थ्य की व्यवस्था मिली हुई है, रोजगार भी मिल जाए, बस इतना ही तो जरूरत है। इसी के चक्कर में तो आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की तरफ जाना पसंद करते हैं, अगर उसे सभी सुविधाएं घर दे दी जाए तो वो किस लिए जाएगा शहरों की ओर, किस लिए परेशान होगा। छोड़िए, भगवान भरोसे बैठिए, जो भी होगा देखा जाएगा।